दोस्तों, आज हम आप इन्हीं सुपरस्टार्स की आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन है वो स्टार्स। शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की एक बुरी आदत है, शाहरुख खान अपने जूतों से बहुत प्यार करते हैं। यही कारण है कि वे अपने जूते कभी नहीं उतारते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह दिन में सिर्फ दो बार ही जूते उतारते हैं, कभी कभी तो ये जूते पहनकर ही सो जाते हैं। करीना कपूर खान। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान की एक ऐसी बुरी आदत है जिसके चलते उन्हें कई बार सोशल मीडिया पर लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ता है। दरअसल करीना को नाखून चबाने की आदत है, कई बार मीडिया से बातचीत के दौरान उन्हें नाखून चबाते हुए देखा गया है। सलमान खान। बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान की भी एक आदत है, दरअसल वह हाथ से बना हुआ ही साबुन इस्तेमाल करते हैं। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी एक बुरी आदत भी है जिस पर लोगों ने कई बार उनसे सवाल किए हैं। दीपिका को लोगों को घूरने की आदत है। अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के महानायक यानी अमिताभ बच्चन को भी एक बुरी आदत है, इन्हें दो घड़ियां एक साथ पहनने की आदत है। इसके अलावा इन्हें मल्टीपल फोन रखने की भी आदत है। आमिर खान। आमिर खान को भी एक आदत है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें छुट्टी में ना नहाने की आदत है। जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को बैठे बैठे अपने पैर को हिलाने की आदत है, दरअसल जब तक जॉन ऐसा ना करें तब तक वे कंफर्टेबल फील नहीं करते। आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड में बेहतर एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले आयुष्मान खुराना को एक आदत है जो कि शायद ही कोई करता होगा, दरअसल इन्हें दिन में 10 से 12 बार ब्रश करने की आदत है। सनी लियोन। अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली सनी लियोन को भी एक बुरी आदत है, सनी को बार बार अपने पैर धुलने की आदत है। इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी तरह की आदत होती है, फिर चाहे कोई आम इंसान हो या फिर कोई बड़ा सुपरस्टार। अगर आपको हमारी जानकारी रोचक और मजेदार लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा भारत मीडिया नेटवर्क इस वीडियो में बताई गई जानकारी का 100% सही होने का दावा नहीं करता। सभी जानकारी इंटरनेट और पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसका उद्देश्य केवल नॉलेज है, ना कि किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना। धन्यवाद।